होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं। आजादी के पहले का भारत इन्होंने देखा है और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है। इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हम इनके, हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट, वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वॉन्ट टू गो टू द बूथ, एंड दैट्स द स्पिरिट। और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे। वी हैव क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 642 million प्राउड इंडियन वोटर्स। दिस इज ए हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द नेशन एज ए होल। 642 एवर एनीवेयर इन द वर्ल्ड इन एनी ऑफ द इलेक्ट्रल एक्सरसाइज, दैट्स व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर्स। एंड दिस इज जस्ट टू गिव यू सम स्मॉल स्टैटिस्टिक्स, दिस इज 1.5 टाइम्स ऑफ द वोटर्स ऑफ ऑल G7 कंट्रीज, US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this we feel is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters. By this, I would ask all of you to join and hand. These are, you are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election, including all of you. You have also voted. I know many of you. I personally know the experiences which you have had on the polling station. Let's see what happened next. 85 plus in PWD voters, we again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर घर जाके हमने वोट लिया, और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। सो दीज आर द इनक्रेडिबल स्टोरीज ऑन द पॉजिटिव नोट विच वी वॉन्ट टू टेल यू। और जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे, हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए। अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रांग नैरेटिव और इतना स्ट्रांग वर्डेड एडवाइजरी दी है। वी फील दैट इन टाइम्स टू कम द पॉलिटिकल पार्टीज वुड ऑल्सो लर्न, द कैंडिडेट्स वुड ऑल्सो लर्न टू नॉट अटर ए अनडिग्निफाइड वर्ड अगेंस्ट द वुमेन ऑफ आर नेशन। This is what we have attempted to settle by giving advisories, and we hope that this is not only during elections and political parties, but the discourse against women would be generally respected and would be in a different tenor. Friends, home voting में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं। आजादी के पहले का भारत इन्होंने देखा है, और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है। इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया। और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हम इनके, हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सेलिब्रेट, वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वॉन्ट टू गो टू द बूथ, एंड दैट्स द स्पिरिट। और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे।